जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो चार लोग जिन्हें हमें अपने घर में नहीं बुलाना चाहिए, और ये लोग कई बार हमारे साथ जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां क्रिएट कर देते हैं, और बहुत सारी परेशानियों की शायद यही जड़ भी क्यों ना हो। ये भी मैंने बहुत सारे जातकों से बात करने के बाद मैंने देखा है। तो वो कौन से चार लोग हैं, उन लोगों का कैसे एड्रेस करना है, तो इस वीडियो में इस पूरे बात को हम करेंगे। उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं, और कमेंट्स में आपको लिखना है जय श्री महाकाल। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, उसका फीस है, पे करके आप बात कर सकते हैं। दोस्तों, ये लोग जो हैं, सबसे पहला जिन्हें आपको घर में नहीं आने देना चाहिए वो लोग हैं दोहरे चरित्र वाले लोग। अब आप कहेंगे कि दोहरे चरित्र वाले लोग को हम कैसे पहचाने, उनकी क्या पहचान है? कि जो व्यक्ति यदि आपके सामने किसी अन्य व्यक्ति की बुराई करता हो तो समझ जाए, और उस व्यक्ति के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उस व्यक्ति को आप बहुत अच्छे से समझते भी हैं कि वो कैसा है, आपका निजी अनुभव खुद उस व्यक्ति के साथ है, और ऐसे व्यक्ति के बारे में आपके सामने वो व्यक्ति बुराई कर रहा है तो समझ जाइए कि ये व्यक्ति दोहरा चरित्र का है, और ये हमारी भी बुराई या हमारे बारे में भी जो बातें अन्य के साथ करता होगा। तो वो व्यक्ति हमारे घर आकर हमारे बारे में सभी चीजों को जानता है, और अन्य लोगों के सामने एक नेगेटिव वे में बताता है, उस विषय को लेकर उससे कई बार बहुत सारी परेशानी क्रिएट हो जाती है, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और कई बार गलतफहमियां बहुत हद तक मैंने लोगों के बीच इस विषय को लेकर देखी है। दूसरे वो लोग जो लोग चरित्र के अच्छे नहीं हैं, जैसे जिनका महिलाओं को देखने का नजरिया सही नहीं है, और इसे महिलाएं बहुत अच्छे से समझती है, जो देखने का नजरिया सही नहीं है, जो हूटिंग करते हैं, जो अभद्र टिप्पणियां करते हैं, और कई ऐसे दोस्त भी आपके होते हैं जो आपके साथ घूमते फिरते हैं, जिनको आप बहुत अच्छे से पर्सनल जानते हैं कि ये किस तरह से इनका व्यवहार है महिलाओं के प्रति। तो ऐसे लोगों को भी कभी घर ना बुलाएं, क्योंकि ये जो जो लोगों का जो स्वभाव होता है ना, ये हम नहीं बदल सकते हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि वो इस तरह की जो भी चीजें हैं वो हमारे घर आके हो या आगे चीजें बढ़े। तीसरा है लालची लोग। लालची लोग हमेशा आपसे लेने की इच्छा रखते हैं, देने की कुछ नहीं। तो ऐसे लोगों को भी हमेशा अपने घर में ना आने दे, कोशिश करें कि ऐसे लोगों से आप दूरी बना कर रखें, तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। चौथे वो लोग जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, क्योंकि जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, जो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखता है, उसे दुनिया के, मुझे नहीं लगता कि और किसी दुनिया के अन्य व्यक्ति की परवाह होगी जिनने पाला पोसा बड़ा किया। तो ऐसे लोगों को भी आप घर में ना बुलाएं, और ऐसे लोगों से भी आप दूरियां बनाएं। घर में नहीं बुलाने से सीधा सा अर्थ है कि उन्हें से आपको दूरियां बनाने की मैं बात कह रहा हूँ। अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ओम नमः शिवाय।